कोरबा में 10 मई से शुरू होगी जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव की प्रक्रिया। प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद होगा मतदान। कोरबा जिले के व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 2 वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है। 31 मई का दिन नए पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए सुनिश्चित किया गया है। चैम्बर की मौजूदा कार्यकारिणी ने चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। व्यापारिक हितों के संरक्षण और इनसे जुड़े मुद्दों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी स्थापना के समय से काम करता रहा है। लगातार इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती रही है और जिले में चैम्बर से जुड़कर कारोबार करने वाले सदस्य 2000 के पार हो गए हैं। वर्ष 2022 से 2024 की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए कवायद शुरू हो गई है। चुनाव कराने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष खेतान को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ कई और सहयोगी रखे गए हैं। आशीष ने बताया कि 10 मई से प्रक्रिया शुरू की जानी है। अंतिम रूप से जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए कैलाश अग्रवाल भी सहयोगी होंगे। उन्होंने बताया कि 10 मई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद दावा आपत्ति से लेकर नामांकन और प्रत्याशियों की घोषणा की कार्रवाई होगी। बीते वर्षों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने अधिकतम समर्थन देने के साथ व्यवसायी राम सिंह अग्रवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया था। उनकी टीम तब से काम कर रही है। 2024 तक के लिए होने वाले चुनाव में कौन कौन से चेहरे दावेदारी करने के लिए सामने आते हैं, यह 10 मई के बाद स्पष्ट हो जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोरबा का वर्ष 2022-2024 के लिए चुनाव की तिथि जो है 31 मई निर्धारित की गई है और उसकी प्रक्रिया हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं। मतलब 10 तारीख से मंगलवार को जो भी मतदाता सूची है उसका हम लोग वहाँ पे पब्लिश कर देंगे चैम्बर भवन में, और उसके बाद जो भी प्रेस में हम लोग आज डिटेल्स दे रहे हैं कि कब कब क्या क्या होना है। और हमारे साथ चुनाव में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई संयुक्त चुनाव अधिकारी के रूप में श्री कैलाश अग्रवाल जी हैं, नूतन जी हैं, एडवोकेट अनिल अग्रवाल जी हैं, अखिलेश अग्रवाल हैं और श्रीमती मधु पांडे जी हैं और इंजीनियर राज अग्रवाल जी। तो इसमें हम लोग कल से जो है इस कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।